दोस्तों, मैं हूं हर्षित और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स हुकोटी यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इसकी। जी हां दोस्तों, ये है योनेक्स का ZR 100 बैडमिंटन रैकेट जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज किया है अमेजोन से। देखते हैं रैकेट कैसा यहाँ पे है, तो चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते होंगे, मैंने फाइनली इसको कर लिया है अनबॉक्स और कुछ इस तरीके का रैकेट अंदर से निकला है। यहाँ पे एक बड़ी गलत चीज़ लगी मुझे कि ये जो सेलर वगैरह हैं जिन्होंने रैकेट भेजा है, इन्होंने बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी बबल रैप वगैरह यूज़ नहीं की है पैकेजिंग में। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि इसमें ऐसा हो सकता है कि रैकेट रस्ते में डैमेज हो जाता। बाई चांस ये तो सही आ गया है, लेकिन कम से कम मेरे हिसाब से बबल रैप तो यूज़ करनी चाहिए, जिससे रैकेट एटलीस्ट अच्छे से आ पाए। अगर आप बॉक्स भी नहीं यूज़ कर रहे थे तो शायद बबल रैप यूज़ करनी चाहिए थी। खैर, जो भी है, फिलहाल रैकेट हमें सेफली मिल चुका है। अब जैसे यहाँ पे रैकेट मेरे हाथ में आया निकल के, एक चीज़ मैंने नोटिस करी वो ये कि कवर की क्वालिटी बहुत ही चीप है, बहुत ही बेकार क्वालिटी का यहाँ पे कवर दिया गया है इस रैकेट के साथ। अगर हम रैकेट की इमेज में देखें, यहाँ पे जो बाय लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर के आप क्लिक करके देख सकते होंगे। तो इस रैकेट के साथ में जो कवर दिखाया गया है वो एनिमे, यहाँ पर कंप्यूटराइज कवर दिखाया गया है, वो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। लेकिन यहाँ पर जो कवर है, इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये बहुत ही, देखिए आप किस तरीके का यहाँ पे ये कवर है, पता नहीं, देखिए कितने, मतलब अगर आप इसको ऐसे भी रख देना तो ये आराम से ऐसे मुड़ जाएगा। ये बहुत ही हल्का, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे कि आपने देखा था GR 303 वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, उस तो उसमें सिंपली हेड का कवर था, और जिस तरीके की क्वालिटी उसकी थी उसी तरीके की इसकी क्वालिटी है। बहुत ही अजीब से यहाँ पर ये कवर है, सिर्फ ये भी नाम किया हुआ है। तो शायद यहाँ पे योनेक्स, इसका मतलब ये है कि जो चीप रेंज की रैकेट हैं अंडर 1000 रुपीज़, उन सभी में यही कवर देता है, चाहे वो एक रैकेट हो, दो रैकेट हो, जिनकी क्वालिटी बहुत हल्की होती है। तो बेसिकली ये नाम सा ही है कवर का, तो इस कवर का होना ना होना बराबर ये है। बस ये फ़ायदा है कि आप इससे रैकेट को डाल करके कहीं ले जा सकते हैं, बाकी प्रोटेक्शन इसमें ना के बराबर ही रहेगी। तो खैर गाइज, जो भी है, फिलहाल इसको साइड में रखते हैं। गाइज, ये रहा हमारा रैकेट। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे रैकेट हमें देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते होंगे ये है ZR 100। अब गाइज, ये जो बैडमिंटन रैकेट है, अगर मैं इसका फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ तो लुक काफ़ी ज़बरदस्त है। टी जॉइंट वाला यहाँ पर ये रैकेट है, और इसकी जो शेप है रैकेट की वो है आइसोमेट्रिक शेप। ये जो शेप होती है रैकेट की, इस तरह से आकर के आती है, इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक शेप, और इस पर ये मेंशन भी किया गया है। अब गाइस, इस रैकेट के बारे में बहुत ही कमाल की चीज़ है, वो मैं अभी मेंशन करूंगा, तो देखते रहिए वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे कमाल की लगी वो ये कि ये जो ZR 100 रैकेट है, इसका जो स्ट्रंग है वो काफ़ी बढ़िया है। GR 303 वाले जो रैकेट था उसमें मैंने आपको बताया था कि उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी स्ट्रंग की, लेकिन इस ZR 100 में ऐसा नहीं है, इसकी क्वालिटी स्ट्रंग की काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी मजबूत लग रहा है मुझे ये। और गाइज, यहाँ पर जो ये रैकेट है, ये एल्युमिनियम फ्रेम वाला रैकेट है, लेकिन जो इसकी शाफ्ट है ये स्टील की शाफ्ट है। इसमें यहाँ पे फ्रेम एल्युमिनियम है, लेकिन जो इसकी शाफ्ट है वो स्टील की है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली। बाकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप अमेजोन पर ज़्यादा इसके बारे में पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसका वेट तकरीबन 90 ग्राम के आसपास है। नॉर्मली जो ये रैकेट होते हैं एल्युमिनियम के, वो 90 से 110 की रेंज रहती है इनकी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं है ऐसा, लेकिन लाइट वेट है, काफ़ी अच्छा रैकेट है। फ्लोरोसेंट कलर में मैंने इसको परचेज किया है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये रैकेट लगा। इनफैक्ट मैं आपसे कहना चाहूँगा कि GR 303 से बेटर ये रैकेट है ZR 100। अब गाइस, इसकी जो कमाल की बात है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, वो ये कि ये जो रैकेट है ये मेड इन इंडिया रैकेट है। जी हाँ गाइस, योनेक्स का पहला बैडमिंटन रैकेट जो कि इंडिया में बना है, ZR 100। जी हाँ दोस्तों, ये योनेक्स का पहला बैडमिंटन रैकेट है जो कि इंडिया में बना। योनेक्स ने एक नई फैक्ट्री यहाँ पे लगाई है इंडिया में, बैंगलोर में वो फैक्ट्री सेटअप की है, जहाँ पे ये रैकेट बन रहा है ZR 100। और ये पहला रैकेट है योनेक्स का जो कि इंडिया में बन रहा है, और इसको बना करके यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। साइना नेहवाल, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसके बारे में बताया था अपनी वीडियोज वगैरह में। अगर जैसे कि आप देख भी सकते होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया इस रैकेट पे, और बेसिकली इसकी जो MRP है वो है 580 रुपीज़, और तकरीबन 570 रुपीज़ के आसपास का ही आपको ये मिल जाएगा अमेजोन पे। तो प्राइस में इसकी बहुत ज़्यादा कम नहीं है, MRP से लगभग प्राइस टू प्राइस ही बिक रहा है। स्ट्रंग की टेंशन भी काफ़ी बढ़िया है। अब गाइस, बाकी पूरा रिव्यू मैं इसका खेलने के बाद करूँगा, थोड़ा सा मैं इससे खेलता हूँ और खेल करके देखता हूँ कि ये परफॉर्मेंस देता है, उसके बाद गाइस आगे बात करेंगे इसके बारे में। We'll be right back.
गाइस फाइनली अब मैंने इस रैकेट को यूज कर लिया है और यूज करने के बाद खेलने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जो GR 303 वाला रैकेट था वो बढ़िया नहीं था, उसकी क्वालिटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। बस ये है कि वो स्टार्टिंग रेंज के लिए ठीक था, अगर किसी को ज़्यादा ही योनेक्स से प्यार है तो वो उस रैकेट पे जा सकता है, लेकिन पर्सनली मुझे ये रैकेट ज़्यादा पसंद आया है। इनफैक्ट ये रैकेट मेड इन इंडिया है और इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है और GR 303 से तो लाख गुना बेटर। तो गाइज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी बिगनर लेवल के रैकेट को परचेज करना चाहते हैं तो उसको ज़रूर परचेज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि इसका जो एक कवर है इसकी क्वालिटी बहुत ही बेकार है, आप देख सकते होंगे। ले तो अगर आप परचेज कर रहे हैं इस रैकेट को तो बिल्कुल भी कवर में देख के ना जाएं, कवर देख के इस रैकेट को परचेज ना करें। आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो सिर्फ रैकेट के लिए परचेज करें, क्योंकि रैकेट की क्वालिटी इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी सही है। ठीक है गाइस, कवर तो सिर्फ यहाँ पे नाम के लिए है, कहीं कैरी करने के लिए हल्का फुल्का, प्रोटेक्शन कुछ नहीं देगा। ओवरऑल इस रैकेट का मैं रिव्यू अच्छा ही दूंगा, मुझे काफ़ी रैकेट ये पसंद आया। तो आपकी क्या राय है इस पहले मेड इन इंडिया रैकेट के बारे में, क्या आपके पास ये रैकेट है या नहीं है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, कोई और कौन सा आप प्रोडक्ट चाहते हैं जिसको मैं परचेज करके रिव्यू करूँ, उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो बस दोस्तों, यही थी वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।